हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और नए और बेहतरीन व्लॉग में। ये शायद जो है रमज़ानुल मुबारक का आखिरी व्लॉग है शायद, कैसा आज जो है चांद रात है ऊपर वाले के फजल से। कल जो है गुड़ी पाड़वे का त्यौहार हुआ लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश के चलते अपन नहीं जा सके, ऊपर वाले की मर्ज़ी है। लेकिन अभी जो है जतरा अभी चार दिन चलता माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त एंजॉय करेंगे बोलते अपन कुश्तियाँ वगैरह। तो बारिश पड़ने के बाद जो है मौसम बहुत ही सुहाना वेला, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं जो है चल रही हैं पूरे फार्म हाउस पर, एकदम अच्छा लग रहा। नहीं तो ये टाइम को इतना गर्म होता था ना जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन चलो ऊपर वाले को फिक्र है अपने बंदों की, वही तो अपने पूरे सोलापुर में जो है उकाली बारिश गिरेला है, पूरा सोलापुर में जो है एकदम आह्लादायक जो है वातावरण भी है ना ऊपर वाले के फजल से। तो चलो देखेंगे आज का दिन कैसा जाता। आज जो है अपन मामू जान के यहाँ जो है डायरेक्ट जो है रात के वक्त जाने वाले हैं, मतलब अपना क्या बोलते चांद रात को सेलिब्रेट करने के लिए जाने वाले, अपनी पेमेंट लेने के लिए जाने वाले रमज़ान की। और आज की रात जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आज की रात भी अपन जागने वाले हैं मस्जिद में। जैसा क्या बोलते पगार के दिन जो है अपन ऑफिस नहीं चुकाते, वैसा जो है आज पगार का दिन है। तो आज मीना बाजार से आने के बाद जो है सीधा मस्जिद को जाको, वहाँ जो है आराम करने वाला हूँ मैं और वहीं पर जो है इबादत करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को और देखते हैं क्या होता है आज। चलो भाई लोग, अभी दोपहर के 12 बजने के हमारे सब बड़े बड़े लड़कंदा बैठे आ गए यहाँ। क्या आरिफ ने आरिफ पी के मई भी ऐसा कटिंग करने वास्ते, राजीम अभी कटिंग करके गया, फुल जो है सीजन मार रहे रकमा जी अन्ना रमजान का, जतरे का, फिर उसके बाद जो है और क्या है जयंती का माशाल्लाह। रात को जो है 1-2 बजे तक जो है दुकान चालू रहता आज। सभी जो है आसपास के गाँव के बच्चे लोग भी आए ले पूरा कटिंग वो करने। क्या कौन सी कटिंग करने वाला पीके तू? तू बे सोल्जर है इन सही है। और मुल्ला साहब वालेकुम सलाम। और सलीम भाई क्या बोलते? सलीम की खुशी में फंसे नहीं है। चलो जल्दी जल्दी अपन भी कटिंग करेंगे, बच्चे के बाद मेरा नंबर है क्या नहीं निवाल करने वाला हूँ। तो फिर चलो भाई लोग फाइनली कटिंग वगैरह करके रकमा जी अन्ना के पास, बहुत ज़्यादा गर्दी थी, धूप भी बहुत ज़्यादा है और आज जो है पावर गेट का ज़रा काम चल रही है, टावर वगैरह दिख रहे क्या सामने, टावर का जो है वायर खींच रहे हैं लोग, ये सब पीछे सब जो टावर है ना उनके वायर का थोड़ा मेंटेनेंस का काम चालू है और जो नवीन टावर बने ले उनके ऊपर जो है वायर वगैरह खींच रहे, उसी के चलते जो है आज ज़रा लाइट बंद है पूरे गाँव में, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही, पूरा हमारे क्षेत्र के लाइटा बंद करी। अभी इंशाल्लाह शाम को आएंगे लाइटा, क्योंकि कल करने नहीं आता ना उनको, कल ईद है और कल करने नहीं आया उनको क्योंकि कल जो है गुड़ी पाड़वा था और बारिश के चलते जो है मुझे भी वीडियो काटने जाने नहीं आया। कल जो है मिरवणूक भी उतनी बड़ी नहीं करे बोलते, फक्त 2 नंदी ध्वज जो है लेको गए थे मिरवणूक के लिए। तो देखेंगे क्या होता इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग करने का अपने को। और आज शाम को जो है दादा जान का बर्थडे सेलिब्रेट करको, सीधा जो है चांद रात सेलिब्रेट करने बीजापुर बेस को जाएंगे बोलते। चलिए देखते क्या होता आगे। चलो भाई असर का वक्त वेला है, गोश्त लेने के लिए आए थे अपन वसंग को, असद भाई भी हैं अपने साथ, दादा के बर्थडे की तैयारी चालू है जोर में। तो अभी गोल्डन बेकरी के पास आई माशाल्लाह, बहुत सारे अलग अलग केक हैं इनके पास, तो देखेंगे एक केक लेंगे आज जो है, एक चुप छोटा वाला केक लेंगे बोलते हैं आधा किलो का दादा के लिए, चुप उनका बर्थडे बोल के मान में। और इंशाल्लाह बाद में 14 तारीख को जो अपन पार्टी कर रहे हैं बर्थडे के, उसके लिए और एक अलग केक ले जाएंगे बोलते हैं कि नहीं। चलो देखना कौन सा केक लेना, अरे आसो कौन सा केक लेने का, कौन सा लेने का, सब अच्छे दिख रहे यार। भैया वो नीचे का जो है ना भगवा, वो नीचे का 2 नंबर नहीं वो दूसरा का है, दूसरे को दिए क्या वो? हाँ दिया। ओके ओके ओके, फिर कौन सा लूँ? ये अच्छा दिख नहीं, अच्छा ये लेना, हाँ ये दो भाई। चलो चलो भाई लोग, आखिरी रोज़ा है आज, बेहतरीन तरीके से जो है डैडी गैंग की तरफ से एक और बार जो है शरबत बने सो यहाँ पर रोज़ेदारों के लिए। हाँ शाहरुख भाई, हाँ मुझे लगे तुम्हारी को ही एक गैंग फारूक शाहरुख भाई कौरल है, उन्होंने जो है बेहतरीन तरीके से दुआ कर रहे
माशाल्लाह एकदम खूबसूरत शरबत बना ले। तो चलो रोजे के आज आखिरी दिन है, अभी आखिरी 10 मिनट बचे ले रमज़ान के, तो जाको जो है दुआ में बैठेंगे, थोड़ा बहुत तौबा इस्तगफार करेंगे अल्लाह ताला के पास। वही तो अपन गुनहगार बंदे हैं अल्लाह के, अल्लाह अपने को माफ़ करना ये जो है अल्लाह ताला के पास तलब है। माशाल्लाह तरीके से जो है पूरा रमज़ान ख़त्म हुआ, देखे देखे तक जो है दिन आ गए, सोचे भी नहीं थे कि इतनी जल्दी जो है रमज़ान ख़त्म होगा, लेकिन रमज़ान जो है ख़त्म हुआ। अल्लाह जो है बस हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें माफ़ फरमाए, वही तो हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। तो चलो जाएंगे बोलते मस्जिद में। चलो भाई लोग चांद रात मुबारक आप सभी लोगों को, बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है कल ईद मनाई जाएगी, और आज जो है अपने गांव में जत्रे की भी शुरुआत हो ली है। कल जो है जत्रा शुरू हो चुका है, लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली बारिश की चलते जो है मेरोणुक होती ग्रैंड करे नहीं, लेकिन आज जो है बहुत ही ग्रैंड मेरोणुक होने वाली है इंशाल्लाह। लेकिन अपन आज भी मेरोणुक में शामिल नहीं होने वाले, क्योंकि अभी जो है अपने दादा जान का बर्थडे है, वो सेलिब्रेट करके जो है अपने को और सोलापुर को जाने का है मीना बाज़ार के लिए। तो फिर चलिए देखते क्या होता, माशाल्लाह बहुत ही कम वक्त है अपने पास, है कि नहीं। चलो सिर्फ पहली का दूसरी तीसरी गाड़ी में भी नहीं चलता, जल्दी लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू। दादी को दे रंदे दादा। अरे एंजॉय करने का क्या है, हर एक पल को खुदा की रहमत जो है मीना बाजार में बरस रही है माशाल्लाह। इतनी बारिश में भी जो है पब्लिक की गर्दी आप देख सकते हैं मीना बाजार में। आज चांदरात का वक्त है और चांदरात के इस पावन पर्व पर जो है प्रचंड प्रमाण में जो है पब्लिक पूरे मीना बाजार को आबाद कर रही है। उधर मसाला बाजार में भी गर्दी है, इधर बेगम बाजार में भी गर्दी है जिसका वीडियो अपन ने देखे चब्बी, और उसके बाद उधर बादशाह बाजार में भी बहुत ज़्यादा गर्दी है माशाल्लाह। तो बहुत ही अच्छी पब्लिक जो है देखने के लिए मिल रही, पब्लिक का जो है सपोर्ट अपने को जो है देखने के लिए मिल रहा। उधर जो है मदला मारुति तक जो है आप गर्दी देख सकते हैं, और इधर जो है पूरा यशोधरा तक जो है गर्दी देखने के लिए मिल रही, इधर जो है जोड़ बसवरना तक गर्दी देखने के लिए मिल रही, क्योंकि बुधवार बाजार और मीना बाजार दोनों एक साथ भरेला है माशाल्लाह। और इधर का जो है यहाँ से मसाला बाजार यहाँ से लेके जो है आगे बाड़ी वेस्ट तक जो है गर्दी देखने के लिए मिल रही माशाल्लाह। और बारिश जो है बढ़ चुकी है भाई, बहुत ही खूबसूरत माहौल है भाई, बहुत ही खूबसूरत माहौल है। सुबह से जो है एकदम गर्मी का माहौल था, एकदम धूप सी पसीने से जो है परेशान हुए थे, और अभी जो है बारिश गिरकर जो है एकदम क्या बोलते हैं मौसम एकदम ठंडा वेला है माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा। आप उन्हें ले क्लासिक में मामा जान जो है पेमेंट दे तू करके बोले नहीं, तो थोड़ी देर में जो है पेमेंट लेके अपन निकलेंगे बोलते हैं कि नहीं। अपने को जल्दी जाना पड़ता है और गाँव में जाके जो है रात जागने का मस्जिद में, है कि नहीं। मैं बोले तो चांदरात को जो है बाजारों को आबाद मत करो, चांदरात में जो है मस्जिदों को आबाद करो बोल के, तो मैच अगर वो फॉलो नहीं करूँगा तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए यहाँ का होने के बाद जो है सीधा अपने गाँव के मस्जिद में जाके बैठ के छोड़ने का इबादत करते हैं, तौबा इस्तगफार करते हैं कि नहीं। चलो तो फिर चलो भाई लोग, बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है मीना बाजार घूमे अपन। आप थोड़ा सा पार्ट देखे थे वो वीडियो का मीना बाजार के चांदरात वाले, पेमेंट वगैरह भी मामू जान जो है अच्छी पेमेंट दी अपने को, मैं जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा दे, तो अल्लाह ताला जो है उन्हें ज़्यादा खैर नसीब अता फरमाए, अल्लाह उनको कामयाबी दे, उनके कमाई में बरकत दे, उनके आल औलाद को जो है खुश रखे। वही तो इंशाल्लाह अपन भी जो है एक दिन उनके जैसे एक बेहतरीन बिजनेसमैन बनेंगे बोलते, मेरा भी सपना है इमरान मामू जैसा एक बेहतरीन बिजनेसमैन बनने का। तो फिर चलो देखेंगे बोलते क्या होता, गांव में जत्रे का माहौल है, गंगा जमनी तहजीब का जो है माहौल है, सभी धर्मों के मोहब्बत का माहौल चल रहा, रास्ते वगैरह भी बहुत ही खूबसूरत हुई। तो अभी चांदरात का दिन है, तो अभी मस्जिदों को आबाद करेंगे, है कि नहीं। बाजारों को आबाद करके तो आया, अब मस्जिद को भी आबाद करेंगे बोलते, मस्जिद क्या खूबसूरत दिख रही लाइटिंग में माशाल्लाह। तो चलो जल्दी से जल्दी मस्जिद आबाद करेंगे माशाल्लाह, थोड़ी देर नमाज वगैरह पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, तौबा इस्तगफार करेंगे, और फजर की नमाज़ पढ़कर शुरुखुरमा वगैरह पीकर फार्म हाउस पर जाएंगे बोलते। चलो भाई मस्जिद में तो पहुँचे, उमर शेठ यहाँ पर थे फॉर्चुनेटली, उन्होंने दरवाज़ा खोला अपने लिए। चलो अभी थोड़ा देर अल्लाह ताला के वास्ते बैठेंगे बोलते इबादत में। देखो पूरी मस्जिद खाली चे माशाल्लाह, क्या बोलने का। मैं बोला था जैसा चांद रात होंगी ख़त्म, कोई मस्जिद में दिखने वाला नहीं ऊपर वाले फजल से,
अल्लाह ताला के कुछ गिने चुने बंदे जो है मस्जिद में दिखेंगे वही तो, नहीं तो अभी तक जो है रोज़ कोई ना कोई, सब बच्चे हमारे गाँव में के जवान लोग हैं सब जने यहाँ रहते थे, मस्जिद को आबाद करते थे माशाल्लाह, लेकिन अभी सब जने वापस गए मस्जिद को खाली छोड़ के। तो मैं सोचा चलो आएंगे अपने मस्जिद को आबाद करने के लिए माशाल्लाह, तो चलिए थोड़ा देर इबादत करेंगे फिर आराम करेंगे बोलते हैं, ठीक है नहीं। चलो तो फिर चलो भाई लोग, बहुत ही शानदार तरीके से जो है पूरा दिन ख़त्म हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त जो है रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ माशाल्लाह। आज से जो है शव्वाल का महीना शुरू हुआ, आज से जो है नया पूरा दौर शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। तो देखेंगे बोलते ऊपर वाला जैसा जो है अपने को रमज़ान में मदद करे नमाज़ पढ़ने के लिए, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, रोज़ा रहने के लिए, माँ बाप की खिदमत करने के लिए, गालियाँ ना देने के लिए, वैसा जो है गैर रमज़ान में भी मदद करे आज से। आज जो है ईद का दिन है तो बेहतरीन तरीके से जो है मस्जिद में अपन रात जागे, अभी जो है फजर की अजान हो रही है और भजन भी चालू है, तो बहुत ही खूबसूरती के साथ सब कुछ चल रहा है इंशाल्लाह। देखेंगे बोलते आज ईद का दिन कैसा जाता क्या जाता, सब ऊपर वाली की मर्जी है। चांद रात तो अच्छी गई ली अपनी। तो चलिए अगर आपको ये पूरा ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताओ, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे फिर से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।